मैं आपको बता दें कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेएस वर्मा की स्मृति में मध्य प्रदेश के जबलपुर में मानस भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जस्टिस वर्मा मेमोरियल कमेटी की ओर से किया गया, जिसके अध्यक्ष राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहे और कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। We also welcome Mrs. Malimath, who is present amongst us. Warm welcome to you, ma'am. हमारे गवर्नर साहब के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा, वो उनका नाम और काम दोनों संवेदनशील है। जो उनका इम्प्रिंट है ऑन द ट्राइबल्स के लिए जो काम करते हैं, और समाव हम लोग भी करते हैं, तो वी कनेक्ट वेल। एंड उनकी जो सोच है ट्राइबल्स के लिए, और जिस प्रकार से सिकल सेल के बारे में वो चिंतित हैं, ऐसा लगता है कि एक बहुत ही संवेदनशील गवर्नर हमारे बीच में है। सर, वी वेलकम यू। सर शिवराज जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट के। मैं यही कह सकता हूं कि मैंने उनकी संवेदनशीलता देखी थी जो 15 साल से हम राहत के मिशंस कर रहे हैं। उन राहत के राहत स्टैंड्स पर रोटरीज एक्टिव हैंड्स आर टचिंग, एंड उन मिशंस में जो हम 15 साल से कर रहे हैं, कम से कम 5,00,000 मरीजों तक हम पहुंचे, 30,000 से 50,000 सर्जरीज एंड प्रोसीजर्स किए, और वो सब बिना शिवराज जी के हो नहीं सकते थे। पूरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों को उस चीज के लिए सपोर्ट करता था। थैंक यू वेरी मच सर एंड वेलकम टू यू। जस्टिस संजय किशन कौल साहब, उनका ननिहाल भी मध्य प्रदेश में है और ससुराल भी मध्य प्रदेश में है। ननिहाल तो जबलपुर में है। 60 के दशक में 1958 के बाद अपने नाना नानी के पास हर दिसंबर में वो जबलपुर आते थे, और बहुत अच्छे याद या संस्मरण है जबलपुर के, जो वो आपको खुद बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे अधिवक्ता रहे हैं, बहुत सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं, और मध्य प्रदेश में पहली बार आए हैं। मैं केवल अपनी ओर से नहीं, केवल आपकी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से मध्य प्रदेश की धरती पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और तालियां जरा मध्य प्रदेश वाली वजन थोड़ी। आप वो इतने सख्त और कठोर थे कि जूनियर उनके सामने थर थर कांपते थे, लेकिन अपने फैसलों से उन्होंने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिसको ये देश कभी भूल नहीं सकता। पूरा देश, मैं केवल न्याय जगत की बात नहीं कह रहा। उनके कई फैसले ऐसे थे जिन्होंने ये स्थापित कर दिया कि रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ को कैसे फॉलो किया जाता है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन 1997 में महिलाओं के गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार को सुरक्षित बनाने वाला उनका एक बड़ा फैसला विशाखा केस में आया था। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, विशाखा केस की सुनवाई के दौरान कामकाजी बहनों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उन्होंने जो गाइडलाइन बनाई, वो आज पूरे देश में विशाखा गाइडलाइन के रूप में लागू की गई है। इस गाइडलाइन के आधार पर भारत की संसद ने क्रिमिनल लॉ में कई आवश्यक संशोधन किए थे। This is reflective of the inherent dynamism involved in the work of judges. First, judges must be very firmly rooted in the social milieu that they have emerged from and remain part of it. They must have an innate understanding of their contemporary realities. Second, they must be sensitive to the churn of social energies, to the new and upcoming ways of thinking that are likely to disrupt our present ways of functioning. I shall devote the rest of my address to the myriad ways in which
जस्टिस वर्मा वॉज एन एग्जाम्पलर ऑफ दिस डायनामिज्म. जस्टिस वर्मा वॉज वन ऑफ दोज रेयर इंडिविजुअल्स हुज इम्पैक्ट वेंट बियॉन्ड द ऑफिस ही ऑक्यूपाइड एंड द टाइम्स ही लिव्ड इन. हिज फार साइटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैव प्रूवन टू बी अ बेंचमार्क एंड अ फाउंडेशन अपॉन विच सब्सिक्वेंट एंडेवर्स टुवर्ड्स सोशल जस्टिस हैव बीन लॉन्च्ड फ्रॉम. हिज लेगेसी परसिस्ट विद अस टू दिस डेट and enjoins us to work in ways that further our constitutional ideas. मैं नवंबर 85 में जब एडवोकेट बना, मैं ग्वालियर काम करता था लाहौटी साहब के साथ. मेरी पहली अपीयरेंस जस्टिस जे एस वर्मा साहब की वजह से हुई. जस्टिस जे एस वर्मा साहब 2 जनवरी 86 को ग्वालियर गए और बेंच में वो बैठे तो हमारे सीनियर ने हमसे कहा कि मैं तो वर्मा साहब की बेंच में जाऊंगा आज और बाकी बेंचों में आप देखिए. तो मुझे याद आता है कि मेरी सबसे पहली अपीयरेंस उनकी वजह से और 2 जनवरी 86 को हुई. अगर वो नहीं आते तो इतनी जल्दी किसी जूनियर को अपीयरेंस का चांस हाईकोर्ट में नहीं मिलता. दूसरी बात मुझे जब याद आती है, पूरे वीक बैठे तो 2 दिन उन्होंने क्रिमिनल अपील्स को सुना. जब वो क्रिमिनल अपील में बैठे तो कई लोग ऐसे थे कि वहां पर एडवोकेट्स प्रेजेंट नहीं हुए, तो उन्होंने देखना शुरू किया कौन बैठा है और कौन नया लड़का बैठा है यहां. तो जस्सा वर्मा साहब इंग्लिश में सुनते थे तो उन्होंने कहा इसकी इंग्लिश ठीक है, इसको खड़ा कर दो, ये ही इज द मैन, ही विल गो एंड ही विल आर्ग्यू द केस. एट 11 he assigned me one case, you come at 2:30, I will hear this case. I was shocked, criminal side ki appeal, murder appeal, aapko bahas karne ko mil jaye. Anyway, maine prepare kiya aur jitna mujhse ban saka utni maine unke samne bahas ki. But jab result aaya to result wohi aaya jo tanka sahab ne kaha, to usme unhone acquittal kar diya. So I was रिमेंबरिंग जस्टिस वर्मा सिंस देन. जब तनखा साहब और सुब्रा जी मेरे पास आए थे तो मैंने उनको एक अनुरोध किया कि शायद इससे अच्छा कार्य कोई नहीं हो सकता. जस्टिस वर्मा साहब आज 50 वर्ष 6 महीने हुए हैं उनको जब से वो जज बने थे और तब आज पहली बार ये लेक्चर की शुरुआत हुई है. मैंने उनसे अनुरोध किया था कि कम से कम मध्य प्रदेश के 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके नाम से आपको लेक्चर प्लीज कराइए और जिससे इस फैटर्निटी को कम से कम प्रोत्साहन मिलेगा. ईयर 2012, जस्टिस वर्मा वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी फॉर रिफॉर्म्स ऑफ एंटी रेप लेजिस्लेशंस. द कमिटी सबमिटेड रिपोर्ट इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ जस्ट अ मंथ ऑफ इट्स कमिशनिंग. The Criminal Law Amendment Act of 2013 was promulgated upon taking into account the recommendations of the committee. Justice Verma passed away on 23rd April 2013. As we commemorate the life and work of Justice J.S. Verma today, the greatest learning that one can hope to imbibe from him is his commitment to uphold values that he believed in. He worked tirelessly to achieve the goals that he set and the causes that he espoused. The speedy preparation and submission of the Justice J.S. Verma Committee report is the latest testament to that. His sublimity of approach to critical issues, I am beholden to him. I do not know for what reason when people talk rationally, it is said they are talking out of the box. I strongly support his thought process. His thought process emanates out of firm conviction and a great rationale. And this for me is take home from this very important occasion. His Lordship has traversed all facets pertaining to
late Justice G.S. Verma. And I would not take your time on that. For two reasons. One, making a demand on your time is unreasonable. And secondly, I will not be able to measure up to his level. I'm extremely humbled at this opportunity and the kind words that have been said about me. I'm grateful. My wife is not here.